कल सर आज बसपा की पार्टी में मुलाकात की है, क्या आगे की चर्चा हो चुकी है, अखिलेश जी से मुलाकात हुई है? देखिए, समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार इस बात को स्पष्ट किया है कि किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं समाजवादी पार्टी करने जा रही, छोटे दलों से मिलकर के भाजपा को हटाएंगे। भाजपा ने पिछड़ों को, दलितों को और जिन लोगों को सपने दिखाए थे उन्हें धोखा दिया है, वंचित समाज को धोखा दिया है। न उनको हिस्सेदारी दी है, न उनको अधिकार दिया, सिर्फ उन्हें अपमानित किया है। तो हम सभी वर्गों के लोगों को एक साथ ला करके, एक मंच पर ला करके भाजपा को हटाएंगे और सबके अधिकार और सबकी हिस्सेदारी, समाजवादी पार्टी का जो नारा है उस नारे के साथ हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में तरक्की की तरफ जाए। पंचायत चुनाव को लेकर की बहुत भीड़ आज लगी हुई है, कैसे टिकट पर दौड़ा कर रहे हैं और कैसे जीतना है? समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी है। जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन समाजवादी प्रत्याशियों को मिला और उसके बाद बड़ी संख्या में निर्दलीय जीते हैं। भाजपा कहीं 3 जीती, कहीं 4 जीती, कहीं 8 जीती, कहीं 10 जीती। वो अयोध्या हार गए हैं, बनारस हार गए हैं, गोरखपुर हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, मथुरा हार गए। लेकिन अब कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक की और उन्होंने टारगेट दिया कि 65 जीतने हैं। तो 65 कैसे जीतेंगे? साम दाम दंड भेद से जीतेंगे, खरीद के जीतेंगे, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो मेंबर हैं, उन पर FIR की जा रही है, निर्दलियों पर FIR की जा रही, डराया जा रहा है। तो एक तरफ जब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने हरा दिया तो अब BJP पुलिस प्रशासन और अधिकारियों के बदौलत अगर वो अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, प्रमुख बनाना चाहते हैं, तो हम समाजवादी लोग जो जनता का जनादेश है उसका सम्मान करते हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए संवैधानिक तरीके से अगर पुलिस से, प्रशासन से लड़ना पड़ा, इनके मंत्रियों से लड़ना पड़ा, तो हम लोग लड़ेंगे। एक अंतिम सवाल, मुख्यमंत्री ने जांच की रिपोर्ट मांगी है, क्या लगता है कि ये रिपोर्ट आने से कुछ कार्रवाई होगी? मुझे लगता है कि भाजपा और भाजपा के समर्थन वाले लोग केवल लूटने में लगे हैं। कोई बैंक लूट रहा है, कोई कुछ लूट रहा है, केवल भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार के बंटवारे के चक्कर में तो BJP में झगड़ा है, और किस बात का झगड़ा है? सर, ये बसपा के बाकी विधायक थे, इनके नाम बताएंगे?